अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल फूड रिव्यूज़। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का मेरा ये ब्लॉग टेक्सास बर्गर पर है, जो कि बहुत फेमस हो चुके हैं। ये बर्गर मुझे मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किए थे, तो मैं भी आज इनको फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। आज मैंने इनके कुछ डील्स मंगाई हैं, जिसमें मैंने इनके दलाज बर्गर और एल पेसो फ्राइज भी ऑर्डर किए हैं, और इसके अलावा मैंने इनका वाको जिंगर चिकन रोल भी ऑर्डर किया है, जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं। मैं भी आज इनके तमाम आइटम फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, आप लोग मेरे साथ रहिएगा ताकि आप मैं ट्राई करूँ और आपको इसका रियल टेस्ट बता सकूँ। ये है इनके एल पेसो फ्राइज, बहुत गरम गरम है ये और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये है इनके दलास बर्गर, बिल्कुल फ्रेश बन है इनका, अंदर से भी काफी हॉट है, गर्म है। चलिए सबसे पहले हम इनको ट्राई करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है ये, इसके अंदर जो सॉस है ऐड किया है इन्होंने वो थोड़ा डिफरेंट है। शुरू में थोड़ा खाने में डिफरेंट टेस्ट आता है, लेकिन इसका ज़ायका बहुत ही मज़ेदार है। हाईली रिकमेंडेड, बहुत अच्छा बर्गर है। और ये भी बता दूँ, ये दो बर्गर और एल पेसो फ्राइज ये 450 रुपीज़ में मुझे अब, और ये डील मैंने फूड पांडा से ऑर्डर की है। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ। अब मैं इनकी ट्राई करती हूँ एल पेसो फ्राइज। ये बहुत ही मज़ेदार है और बिल्कुल फ्रेश बनी हुई है, बहुत अच्छा आइटम है इनके। इसमें इन्होंने जो सॉस ऐड किया है वो बहुत ही मज़ेदार है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट दोबारा हो गया है। ट्राई करते हैं इनका वाको जिंगर रोल, ये इन्होंने पीटर ब्रेड में दिया है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये काफी बड़ा भी है, इसका टेस्ट भी बहुत ही मजेदार है, और ये इतना बड़ा है कि इसका बाइट मुझे भी नहीं आ रहा है। खैर, ये बहुत ही जबरदस्त है, ये बहुत ही ज़बरदस्त डील थी, और ये 3 से 4 घंटे के लिए इनफ। सो गाइस, आपको मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी राइट कर सकते हैं। आपसे मेरा ब्लॉग।